नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ इनफो। दोस्तों चैनल सभी को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज कोई खबर नहीं, आज चैनल के लिए एक उपलब्धि है। चैनल ने अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। बहुत दिनों से इस पे काम चल रहा था, तो इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा को शुरू करने से पहले रेड कलर बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए पहले। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल का अब मोबाइल एप्लीकेशन बन चुका है, जिस पर बहुत दिनों से काम चल रहा था, और अब उस मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर भी लॉन्च कर दिया गया है। तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्या क्या खासियत है इस मोबाइल एप्लीकेशन का, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यूथ इन्फो की वेबसाइट भी बनकर तैयार हो चुकी है, तो आप वहां से भी न्यूज़ पढ़ सकते हैं। www.youthinfo.co.in ये वेबसाइट का नाम है। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर बटन पर क्लिक कीजिए और टाइप कीजिए यूथ इन्फो। और जैसे ही आप टाइप करेंगे वैसे एप्लीकेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगा, और आप वहां से यूथ इन्फो एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने मोबाइल के मेनू बटन पर जाइए और यूथ इन्फो आइकन पर क्लिक करके उस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद सामने आपका यूट्यूब का वीडियो सब दिखेगा, जहाँ से इस चैनल के द्वारा कोई भी वीडियो डाउनलोड अपलोड जो होगा वो आप देख सकते हैं। यहाँ से सारे वीडियो आपको यहाँ से दिखाई देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं यूट्यूब के लिए। बगल में तीन लाइनें दिख रही हैं, वहाँ क्लिक करिएगा तो यहाँ मेनू आएगा। एक एक करके मेनू के बारे में बताता हूँ आपको। यूट्यूब वीडियो जो है पहला, वहाँ से आप यूट्यूब का वीडियो देख सकते हैं। सेकेंड में है youthinfo.co.in, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ क्लिक करते ही शिक्षकों से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ आपको यहाँ मिलेगी इस वेबसाइट पे। स्लो है थोड़ा प्रोसेसिंग, हाँ यहाँ पे सारी वेबसाइट आप देख सकते हैं। कोई भी खबर, आप जो भी खबर है लेटेस्ट खबर, वो सारे खबर आपको यहाँ पे मिलेंगे। जो पढ़ने के शौकीन हैं वो यहाँ पे आके उस खबर को पढ़ सकते हैं। सारी खबर यहाँ पे दिखाई जाएंगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे है शिक्षक संघ सूची। यहाँ से आप बिहार में जितने भी शिक्षक संघ हैं क्लिक करके आप इस शिक्षक संघ की सूची को यहाँ पे देख सकते हैं। अभी इस पे काम चल रहा है, इसलिए अभी आपको केवल लिस्ट ही मिलेगा यहाँ पे संघों का। उस पे क्लिक करने का भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। जैसे ही ऑप्शन चालू हो जाएगा आप क्लिक करके देख सकते हैं किस संघ में कितने मेंबर हैं और कौन इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसके बाद आप जिला कार्यालय वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको हर जिला का वेबसाइट मिल जाएगा, जो आपके काम का हो आप उसे ओपन करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आइए विभागीय पत्र पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आप विभाग का जो भी पत्र है वो डाउनलोड कर सकते हैं कभी भी, किसी भी टाइम। हमेशा यहाँ पे अपलोड मिलेगा आपको, जो भी नया नया पत्र आएगा विभाग का, वो सारे के सारे पत्र हमारी टीम के द्वारा अपलोड किया जाएगा। आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फंक्शन इस एप्लीकेशन में दिया गया है। उसके बाद NIS DLED की वेबसाइट का हमने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से उस वेबसाइट को खोल सकते हैं। चौथा, फिर सवाल पूछिए। यहाँ पर अपना नाम दीजिएगा, अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा, और हमारी टीम से आप कोई भी सवाल हो वो यहाँ से बात करके पूछ सकते हैं। आपके मन में जो भी सवाल होगा आपका जवाब मिले। संपर्क बटन पर क्लिक करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, यानी कि जुड़ सकते हैं। ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप हमको ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए एप्लीकेशन आपको कैसा लगा। खुद इंस्टॉल कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि सब कोई इंस्टॉल करे। धन्यवाद।